बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आने वाले फैसले के पूर्व हिंदू पक्ष के पक्षकार महंत धर्मदास ने बाबरी मस्जिद मुद्दई इकबाल अंसारी ने मुलाकात कर दीपोत्सव की बधाई दी। वहीं इस दौरान महंत धर्मदास ने अयोध्या फैसले के समय देश से अपील की है कि सभी देशवासी आपसी सौहार्द के साथ शांति बनाए रखें। साथ ही इकबाल अंसारी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य बताते हुए देश में अमन चैन शांति रखने का संदेश दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले दिए जाने की घड़ी नजदीक आ रही है, जहां अब पूरे देश की नजर अयोध्या और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। वहीं दोनों पक्षकार एक दूसरे से मुलाकात कर देश में अमन व शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास दिवाली की बधाई देने बाबरी मस्जिद विवाद के मुद्दे इकबाल अंसारी के घर पहुंचे, जहां मिठाई व पुष्प देकर बधाई दी गई। वहीं बाबरी मुद्दई इकबाल अंसारी ने कहा कि दिवाली बहुत खुशी का त्यौहार है। इस दिन पूरी दुनिया को रोशन किया जाता है और इस दिन हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर मिठाई खाते हैं। यह हमारी पुरानी परंपरा है और हमारे लोग देश में अमन शांति बनाए रखने का संदेश देते रहे। इससे हर इंसान ही नहीं बल्कि पूरा देश तरक्की करेगा। यह भारत देश पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। किसी प्रकार की जाति धर्म की बात नहीं की जाती। कुछ लोग ही अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। वही अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ाई करते हुए कहा गया कि ऐसी दिवाली पूरे विश्व में कहीं नहीं देखी जाती। वहीं अयोध्या फैसले को लेकर कहा कि कोर्ट कोई भी फैसला करेगा वह हम सभी मानेंगे। जो भी फैसला आएगा हम सभी उस फैसले का स्वागत करेंगे। ये बहुत खुशी का त्यौहार है। दिवाली पूरी दुनिया रोशन किया जाता है। फूल मालाओं से देवी देवता को भी चढ़ाया जाता है और इंसान भी खुश रहते हैं और दिवाली में देवता भी खुश किए जाते हैं। ये दिन जो है दिवाली इसीलिए मनाई जाती है। ये हिंदू मुसलमान सब मिल करके मिठाई भी खाते हैं। ये पुरानी परंपराएं हमारी है और महान जी हमारे जो है ये पुराने जो है हमारे खानदानी जो है संत हैं, साधु हैं। ये हमारे बाप दादा के ज़माने से आया जाया करते हैं। इनका आशीर्वाद हम लोगों को रहता है और हम लोग हमेशा हिंदू और मुसलमान के बीच में को यही संदेश देते हैं कि देश में अगर पैदा हुआ है इंसान तो शांति बनाए रखे, शांति से रहे, जिससे हमारा देश भी करेगा तरक्की और इंसान भी करेगा तरक्की। ये भारत देश पूरी दुनिया में जाना जाता है। हिंदू मुसलमानों का एक ऐसा यहाँ एक माहौल बना हुआ है कि यहाँ लोग जात पात की बात नहीं करते। जो करने वाले तो हैं वो थोड़ा बहुत लोग करते रहते हैं, उनकी कोई बात नहीं, लेकिन 99% यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं, आपस में बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं। और दिवाली के पर्व पर माननीय योगी जी ने एक नई पहल किया है जो पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अयोध्या जो है दिया जल रहे थे तो पूरी दुनिया देख रही थी। ऐसी भव्य दिवाली जो है कि कहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं मनाया गया, जो माननीय योगी जी ने जो है मनवा दिया और अयोध्या को अयोध्या वालों ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उनका हम स्वागत भी करते हैं, इस्तकबाल भी करते हैं। हमें चाहते हैं ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए कि जो पूरी दुनिया जिसको देखे और सब सारे लोग उनकी तारीफ करें। माननीय धर्मदास जी जो हमारे यहाँ जो आते हैं, ये साधुओं का एक जो है हमारा साथ हमेशा रहा कि जो है चाहे वो धर्मदास जी हों, चाहे सदत जो है जन्मभूमि के पुजारी भी हों और भी साधु हैं, मान ज्ञानदास जी हों, ये सबसे हमारे पुराने रिश्ते रहे हमारे बाप दादाओं से जो आज भी बरकरार हैं। देखिए हम दोनों पक्षकार एक साथ बैठे हुए हैं, हमारा भी वादा है, महान जी का भी वादा है। दोनों का जो है यही है कि महान जी यही कह रहे हैं कि जो भी फैसला हो कोर्ट का, जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम मानेंगे और उसके सबसे आगे हमारे धर्मदास जी रहेंगे, जिनके नेतृत्व में पूरी अयोध्या झूम उठेगी। अगर कोई जो है किसी कोई मसला अगर होता है तो जो भी फैसला करेगा वो जो है हम लोग दोनों आदमी देश को यही संदेश देंगे कि अमन और शांति बनाए रखो। जो भी हो, चाहे वो मंदिर का हो चाहे मस्जिद का हो, हम लोगों का संदेश है। वो बात इसलिए हम लोग दीपावली के मिलने जुलने आए थे कि इस जल्द से जल्द राम मंदिर के और ये विवाद के जो क्या नाम है ऑर्डर आने वाला है, बहस हो गया है, तो अब इस पर पूरा देशवासी शांति बनाए रहे, इस पर देखत रहे कि जो कोर्ट करता है कोर्ट परमेश्वर है, पंच परमेश्वर पांच लोग बैठे हुए हैं, संविधान पीठ है, जो करेगा उसके हम लोग सहयोग करेंगे कोर्ट के। देश में हम लोगों का रहना है, देश हमारा है, तो हम लोग किस तरह से अपने नगर को, अपने गांव को, अपने परिवार को मतलब कि शांति के पाठ पढ़ावें, अच्छी बात बतावें, उत्साह के बात बतावें कि दीपावली एक ज्ञान के पर्व है, दीप उत्सव है,
तो इसलिए सभी को हनुमान जी और देवी देवता सब सबको आनंद में रखें, देशवासी को शांति बनाए रहे और शांति से ही देश में राम मंदिर बनने की प्रक्रिया हो। राम सबके हैं और राम सबके प्राण हैं और जो भी है सब ईश्वर के ही व्यवस्था है, कोई व्यक्ति के नहीं बनाया। पृथ्वी भी ईश्वर बनाया, सूर्य भी ईश्वर बनाया, चंद्रमा भी ईश्वर बनाया और फूल भी वही ने खिलाया और वही सब व्यवस्था कर रहा है। देखिए आने वाला फसल पर पूरा देश शांत रहेगा, पूरा देश में उत्सव रहेगा, चाहे जो भी रहेगा यहाँ पर कोई भी राम जन्मभूमि के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई भी देश में कोई भी विवाद नहीं हो सकता है। ये हनुमान जी की कृपा से और हम लोगों के इस प्रयास से ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी प्रकार के आपस में मेल जोल, ग्राम में जो आपस में संबंध है, देश में जो आपस में संबंध है, गांव के आपस में संबंध है, वो संबंध बरकरार रहे।